हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एस डिजाइनर मेरा चैनल में आपको ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स उसके साथ टेलरिंग डिटेल मेजरमेंट ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग ये सब साथ में सिखा रही हूँ आपको कटोरी ब्लाउज में कुछ डाउट रहेगा तो उसका मैंने वीडियो अलग से बना के रखा है ऊपर आई बटन में दे लियो क्लिक करके चेक कर लो आप पहला बार मेरा चैनल में आया रहेगा तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड आज हम देखने वाले हैं इन्विसिबल हुक पट्टी इसके लिए पहला आई पट्टी के लिए आपको साढ़े दो पे एक पट्टी मार्क करके लेना है फिर बाद में डेढ़ इंच पे एक पट्टी मार्क करके लेना है फिर बाद में आपको दो इंच में एक पट्टी मार्क करके लेना है अब ये मार्किंग पूरा होने के बाद ये मार्किंग को स्केल से पूरा लाइन डालो ये लाइन लगा के होने के बाद आपको इसका पूरा लंबाई देखना है कितना आपको पट्टी रखना है करके ये पट्टी का लंबाई देखने के लिए आपको ब्लाउज का ये लाइन के ऊपर ब्लाउज को रख के आपको नीचे फोल्डिंग के लिए कितना चाहिए उतना आप मार्क करके ले लो देखो मैं इसमें दो इंच तक अंदर फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ने वाली हूँ इसलिए दो इंच में रख के मार्क करके ले लो आपको ट्वेंटी सिक्स साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का डिटेल चाहिए तो ऊपर आई बटन में दे रही हूँ क्लिक करके चेक कर लो अभी ये पूरा होने के बाद कटिंग करके निकाल दो आपको तीन पीस मिलेगा इसमें आपको साढ़े दो वाला पीस को आपको आई पट्टी में लगाने के लिए लेके रखना है हमारा हुक पट्टी के लिए डेढ़ इंच का एक पट्टी है और दो इंच का एक पट्टी है ये दो ही आपको हुक पट्टी के लिए लेना है अब ये दो इंच का पट्टी वाला पीस को एक ब्लाउज के ऊपर रख के सीधा एक सिलाई करके ले लो ये सिल के होने के बाद हमारा वो डेढ़ इंच वाला पट्टी था ना उसको ऐसा आधा में फोल्ड करके इसके ऊपर रख के आपको सिलके लेना है वो कैसा सिलके लेने करके बताती हूँ देखो दो ही सिलाई करो पहले एक दो ऐसा दो सिलाई करो फिर छोड़ो सुई अंदर ही लेने दो अभी ब्लाउज़ को ऐसा टर्न करके अभी तीन बार एक दो तीन अभी तीन बार पे वापस पेडल उठा के इसमें ऐसे ही पेडल को और नीचे रख के ऊपर सुई उठा के और आधा इंच पे एक सिलाई करना है फिर बाद में ब्लाउज़ को ऐसा टर्न करके वापस एक दो तीन ये सिलाई होने के बाद सीधा आपको सिला के लेके आना है आपको दूसरा ऊक किधर तक आ रहा है उधर तक दूसरा ऊक आपको किधर आएगा करके बताती हूँ हमारा मिडिल टक्स हम बंद करते हैं ना देखो बराबर बीच वाला टैक्स आपको किधर है उधर एक ऊक आएगा अब इधर भी सेम आपको हमारा ब्लाउज को घुमा के एक दो तीन तीन बार सिलाई करके फिर पेडल को ऊपर उठा के सुई को अंदर ही रहने दो वापस आपको ऊपर उठा के आधा इंच में एक छोड़ के एक सिलाई करके फिर कपड़ा को टर्न करके ये शेर में तीन बार एक दो तीन हो गया हमारा दूसरा उक का भी रेडी हो गया अभी तीसरा वक् आपको किधर चाहिए उधर तक सीधा सिलाई करके लेके आ जाओ तीसरा वाला हुक आपको आएगा हमारा बीच वाला टक्स और हमारा योग पट्टी ये दोनों का बीच में एक आएगा अभी सीधा सिला के लेके जाके सेम वैसे ही आपको दूसरा हुक के लिए भी जगह छोड़ना है अभी हमारा चौदह वाला हुक के लिए भी आपका योग पट्टी और आपका लास्ट वो फिनिशिंग के बीच में आपको एक हुक के लिए जगह छोड़ना है सेम वैसे ही जगह छोड़ के सीधा सिला के लेके आ जाओ लास्ट हमारा आएगा हमारा नीचे बंद करने वाला कमर का जगह पे अभी इसमें आपको और एक हुक के लिए जगह छोड़ के सिलकी लेना है ये छोड़ने के बाद हमको ये दो पट्टी को ओपन करेगा तो आपको बीच में एक जगह दिखेगा उस जगह से अंदर हमारा हुक को घुसा के ये साइड में बाहर निकालेगा तो आपको हुक बराबर बैठेगा ध्यान से देखो और एक बार बताती हूँ सेम वैसे ही आपको दो पट्टी के ओपन करके वो आपको गैप दिखेगा वो गैप के अंदर हमारा हु को घुसा के उधर से पीछे रिवर्स में बाहर ले लेना है इतना ही ऐसा करेगा तो आपको एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा ये देखो हमारा पूरा इनविजिबल हुक पट्टी रेडी हो गया अब इसके बाद हमको इसको नीचे से फोल्ड करके सिलाई करना है क्योंकि हमको ये पैक करना है ऐसे हम छोड़ नहीं सकते इसको अभी इसको आधा इंच में आपको पैक करने के लिए कपड़ा कितना मोटा है वो देख लो आपको ज़्यादा मोटा रहेगा तो वो कट करके ऐसा आपको फोल्ड करके अंदर से सीधा अभी सिलाई करके वो साइड पूरा पैक करके सिल के ले लो अभी नीचे से हमने सिलाई किया अब इसके बाद इसको सीधा एक सिलाई करके ऊपर तक लेके आ जाओ आपको ऊपर भी कपड़ा बचेगा वो कपड़ा को अंदर ऐसे ही फोल्ड करके नीचे कैसा फोल्ड करके अंदर डाला वैसे ही इसको भी फोल्ड करके अंदर घुसा के सिल के ले लो ये देखो ऐसे आपको ये पूरा पैक करके ले लेना है नेक्स्ट आई पट्टी करके लेना है आई पट्टी करने के लिए वो साढ़े दो वाला पट्टी लेके इसको पहला ऊपर से फ़ोल्ड करके सीधा एक सिलाई करके लेके आ जाओ अभी नीचे से भी आपको फोल्ड करके नीचे शेर में भी पूरा पैक करके सिलाई करके ले लो अभी इसके बाद आपको ब्लाउज़ को सीधा डाल के ये वाला पट्टी को आपको एक इंच तक आपको कपड़ा चाहिए उस हिसाब से इसको फोल्ड करके ले लो बराबर आई पट्टी के लिए आपको बार एक इंच चाहिए उसी हिसाब से इसको फोल्ड करके नीचे से सिलाई करके फिर बाद में आपको पूरा नहीं सिलना है मिडिल में एक सिलाई करके ले लो ये बीच वाला सिलाई करेगा तो ही आपको ये आई बराबर बैठेगा अब ये बीच वाला सिलाई होने के बाद हमको नीचे से क्रॉस में आपको सिलाई करके लेना है हमारा ट्रायंगल शेप कैसा रहता है वैसे ही इसमें ट्रायंगल शेप में एक क्रॉस में सिलाई करके ले लो ये लेने के बाद आपको हमारा हुक पट्टी ऑलरेडी हमने रेडी करके रखा था ना पहला हुक पट्टी लेके इसको मार्किंग करके ले लो आपको किधर किधर आई चाहिए करके या पहले भी मार्क कर सकते हो या बाद में भी नीचे वाला एक सिलाई करने के बाद भी मार्क कर सकते हो आप पहले ही मार्क करके ले लो वो बेस्ट रहेगा मुझे आदत है इसलिए मैं पहला नीचे वाला करके फिर बाद में ये सब मार्क कर रही हूँ आपको किधर किधर वो आई चाहिए उधर मार्किंग करके लेने के बाद सिलाई शुरुआत करो अभी अभी क्या करना है हमारा ऑलरेडी मैंने नीचे वाला करके ले लिया है अभी इधर से ही पूरा सिल के मैंने किधर किधर मार्क किया उधर सेम वैसे ट्रायंगल शेप में बराबर और ट्रायंगल शेप का एंड बराबर उधर आना चाहिए उस हिसाब से देख के सिलाई करके ले लो देखो मैं कैसा सिलाई होकर करके ये ट्रायंगल सिलाई होने के बाद सीधा सिलाई करके लेके जाओ सीधा सिलाई करके लेके जाने के बाद आपने किधर मार्क किया वो मार्किंग और हमारा ट्रायंगल शेप का वो एंड दोनों सामने इक्वल आना चाहिए उस हिसाब से देख के इसको सिलाई करके ले लो अब ये पूरा सिलाई हो गया ये होने के बाद अब इसको ऊपर सिल के पूरा पैक करके ये वाला सिलाई को बंद कर लो हो गया हमारा इनविजिबल हुक पट्टी एंड आई पट्टी आप पहला बार मेरा चैनल देख रहे हो तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक करो ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए आगे लेके आ सकती हूँ मेरा चैनल में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला रहेगा तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करो